ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन है ये कि भाई तूने कितना कमा लिया। तो अगर आप लोग इस ऑब्जेक्शन को सही तरह से फेस नहीं कर पाते ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने आज इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया तो इस ऑब्जेक्शन को बहुत ही इजी तरीके से आप फेस कर लोगे, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक, एंड चैनल पे नया हो चाहे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो टाइम निकलने करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताने वाला हूँ कि जिससे आप इस ऑब्जेक्शन को बहुत ही इजी तरीके से आप फेस कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस। जब भी आप पर्सन से बात करो ना, तो फर्स्ट आपका जो बोलने का तरीका, जो आपकी वे ऑफ टॉकिंग है ना, उसमें आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप पर्सन से कॉन्फिडेंस से बात नहीं करोगे, मान लो आपने बोल दिया उससे कि मेरी 20,000 रुपये की चेक आई है, अब आप अगर उससे ऐसे बोलोगे हाँ भाई 20,000 कमाया लास्ट मंथ, नहीं यार, आपको ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलना है भाई मेरी लास्ट मंथ की चेक 20,000 रुपये आई थी, जिसमें से मेरा इतना TDS कटा है। आप कुछ भी उसको बोल सकते हो, तो बट बोलना आपको कॉन्फिडेंस से। एंड सेकेंड चीज़ है आपका बिलीव। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा, मान लो आप पर्सन से बोल रहे हो मेरी 20,000 रुपये की चेक आई थी, अब आपकी चेक नहीं आई है, बिकॉज बहुत से पर्सन से ना झूठ बोलते हैं। यार फिर से बोल रहा हूँ, झूठ भी ऐसा बोलो ना कि सामने वाले पर्सन को फील ना हो कि बंदे ने झूठ बोला। झूठ भी सामने वाले पर्सन को सच लगे आपका, वो होता है आपका सेल्फ बिलीफ। अगर आपके अंदर खुद का एक सेल्फ बिलीफ होगा ना, तो भले उससे आप 40-50,000 रुपये की चेक बोल दो, अगर आपने कॉन्फिडेंस से एंड अपने बिलीव से बोला होगा, तो सामने वाला पर्सन फील भी नहीं कर पाएगा कि हाँ इसकी 40,000 रुपये की चेक नहीं आई होगी। थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखो जब भी आपसे पर्सन ये बोलता है कि भाई तूने कितना कमा लिया, जो मैंने वो दो बताए ना, तो जब आप थर्ड बोलोगे तो आपको वो दो काम आएंगे। अब मान लो आपके सीनियर की हर मंथ की चेक आती है 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, नो मैटर कितनी भी आती हो, राइट। तो आपको सिंपली पर्सन से ये भी बोल सकते हो आपकी, देखो भाई आपको ना जो सिखा रहे हैं, मान लो मैं तो आपको सिखाऊंगा, ये जो मेरे सीनियर हैं वो भी आपको सिखाएंगे, वो यहाँ पर 40-50,000 रुपये पर मंथ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये सिंपली बोल देना है कि मेरा इस 10 तारीख को, आपको एग्जैक्ट ये नहीं बोलना है कि मेरा इतना चेक आ चुका है, बिकॉज अगर आप पर्सन से ये बोल दोगे ना कि हाँ मेरी लास्ट मंथ 15,000 रुपये आई थी, क्या पता पर्सन आपसे वो मांग दे कि भाई प्रूफ दिखा, देन आप क्या करोगे, अपने सीनियर को फोन लगाओगे, सर उसने प्रूफ मांग रहा है सर क्या करूँ, तो पता सर क्या बोलेंगे, यार बना के दे देना। तो ऐसा काम नहीं करना आपको। आपको ये नहीं बोलना है कि मेरी 15 तारीख को चेक आ गई है ये वाली, मेरी मतलब आ चुकी है। आपको ये बोलना है कि मान लो मेरी आज 10 तारीख है, मेरी 10 दिन बाद चेक आने वाली है, वही 12,000-13,000 रुपये तक चेक आएगी, ठीक है। एंड आपको ये भी बोलना है, देखो आपको पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ का स्टार्टअप करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती है। अब अगर आप ही किसी बिजनेस का स्टार्टअप करोगे, तो फर्स्ट डे ना आपकी 1,00,000 रुपये की अर्निंग नहीं होगी यहाँ पे, क्या पता 200 रुपये की बिक्री हो, 300 रुपये की बिक्री हो, अगर आप कोई शॉप को ओपन करेंगे तो। लोगों को सेम चीज़ देखो यहाँ पर भी है कि देखो मेरा भी है फर्स्ट या फिर सेकेंड मंथ है, आप कुछ भी बोल सकते हो, और मैं अभी राइट नाउ लर्निंग पीरियड पर हूँ, तो जैसे ही मैं अपनी प्रॉपर तरीके से लर्निंग को ख़त्म कर दूंगा, देन मेरी प्रॉपर तरीके से ना यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो सेम चीज़ मैं आपके लिए भी कहूँगा, देन उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देना कि देखो डियर आपको पता है यार कि अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे ना, अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो उसका हमें पैसा नहीं मिलता है। अब मान लो एक कॉलेज में एक टीचर पढ़ाता है, तो उसको पैसा क्यों दिया जाता है, बिकॉज उसके पास में लर्निंग होती है। अगर उसको लर्निंग नहीं होगी तो क्या वो टीचर बनने के काबिल है, नहीं है, इसलिए पढ़ा रहा है बिकॉज उसको लर्निंग। तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्शन को बहुत ही इजी तरीके से फेस कर सकते हो, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ यार, अगर आपने इसी वीडियो को कॉपी पेन लेके पेन डाउन कर लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप बहुत ही सरल तरीके से फेस कर लोगे। तो बाकी कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे आपको बहुत ही बेस्ट वीडियोस मिलने वाले हैं। एंड अगर आप लोग मेरे डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हुए हो ना, तो मैं एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज चला रहा हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो से एकदम सीरियल बाय सीरियल देखिएगा, तो आपको कभी भी ना ऑब्जेक्शन फेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं हुए हो ना, लाइव रिकॉर्डिंग देता हूँ कि आपको इस ऑब्जेक्शन को कैसे फेस करना है, ठीक है, तो आप लोग के लिए बेनिफिट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाना। देखो ऐड होने के बाद में ऐसा मत कर देना कि ग्रुप को बस उठाया, म्यूट करके साइड डाल दिया, नहीं, वहाँ पर एक्टिव रहना है आपको, ठीक है, तब आपको बेनिफिट होगा वहाँ से। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।